जी राजीव जी, ये जो घटना है कि प्रदेश छोड़कर के दूसरे प्रदेश में जाने वाले हैं, ये सुबह से ऐसा था, 3 बजे जाने की बात हो रही थी, फिर 5:30 बजे जाने की बात हो रही थी कि प्रदेश से बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन लोटस का डर है, कोशिश है। तो इस बारे में एक खबर भी तैरती रही कि कुछ विधायकों के फोन ऑफ हैं, कुछ कांग्रेस के, कुछ जेएमएम के, ये सारी चीजें भी रही। इस बीच वो तस्वीर भी जो आपने दिखलाई है काउंटिंग वाली, कि काउंटिंग हुई, वो भी सामने आई। तो इसका मतलब है कि बहुमत है, लेकिन उस बहुमत के लुटने का डर है, ये बात साफ है। और लुटने का डर होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, कई बार लुटा है, विपक्ष की सरकारें लूटी हैं। तो ये स्थिति बन क्यों रही है? और अभी जो बात टंडन जी कह रहे थे, उस बात को बहुत संक्षेप में मैं बोलते हुए इसको कहता हूं कि किसी प्रदेश में या तो सीएम होगा, या कार्यवाहक सीएम होगा, या राज्यपाल रूल होगा, राष्ट्रपति रूल जिसको बोलते हैं, राज्यपाल के माध्यम से इस तरीके से होगा, या विधानसभा भंग करके या विधानसभा स्थगित करके। ये 3-4 स्थितियां होती हैं। तो जब मुख्यमंत्री सोरेन का इस्तीफा लेने के बाद राज्यपाल ने उनको तकनीकी आधार पे कहा नहीं कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनको कहना चाहिए था। अगर नहीं कह रहे हैं तो तुरंत अपॉइंट करना चाहिए था, दूसरी दूसरे वैकल्पिक जो संभावनाएं होती हैं उसको देखते हुए। और वैकल्पिक संभावना मौजूद थी, क्योंकि तत्काल सारे विधायकों की परेड हो गई थी, राजभवन में पहुंच गए थे, और वहां कैंपस से, राजभवन से बाहर कर दिया गया सबको। और उसमें कई विधायकों ने अपनी पीड़ा भी बताई कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं कि राजभवन से उनको बाहर कर दिया गया। तो इन स्थितियों में आज तो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष की ओर से यही उठना चाहिए कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुए हैं। जो उनको उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहिए था संवैधानिक रूप से, वो नहीं कर सके हैं, इसलिए तुरंत राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। अभी की मांग तो यही है, क्योंकि जी कोई प्रदेश बिना मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के ये 22-24 घंटे से कैसे है, ये 22-23 घंटे होने वाले हैं, तो इतने समय से कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद इस घटना को हम इस रूप में देखते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखती है वो ये कि हम ईडी को भेजते हैं और गिरफ्तारी की स्थिति बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, और साथ साथ सरकार को अस्थिर करने की संभावनाएं तलाशते हैं। राज्यपाल एक वक्त मुहैया कराते हैं अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हुए, वो वक्त देते हैं जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो सके, यानी राज्यपाल स्वयं शामिल है हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं पैदा करने में, ये दिख रहा है, ये कोई नकारने वाली चीज नहीं है। तो इसी वजह से ये अभूतपूर्व स्थिति है। हम पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे तरीके से बैकअप प्लान बना करके कि हमारी सरकार बची रहे, वो सरकार राष्ट्रपति शासन की भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की, जिसका कि टंडन जी ने जिक्र किया। उसके बाद हम तो ये देख रहे थे कि हेमंत सोरेन बल्कि आज उनको रिहा हो जाना चाहिए था हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट को उनको रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट तकनीकी आधार पर उनके केस को नहीं सुना। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी को रोक दिया कि आप पूछताछ नहीं कर सकते, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाईकोर्ट ने ईडी को पूछताछ करने से रोक दिया है, और ये मामला इसलिए वापस लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दी गई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाना, हाईकोर्ट में केस लगाना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? वही वो समय जब हेमंत सोरेन को गायब, फरार, इस तरह से घोषित किया जा रहा था। जी तो वहां वहां पर एक महत्वपूर्ण बात थी कि हेमंत सोरेन गायब या फरार कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो दायित्व तो गृह मंत्रालय का है कि वो बताए कि हेमंत सोरेन कहाँ हैं। इसके अलावा जिस उस समय में जब हेमंत सोरेन नहीं थे या गायब कथित रूप से बताए जा रहे थे,
राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल खोजने लगे हेमंत सोरेन को, जैसे कि बिना हेमंत सोरेन के झारखंड चल ही नहीं सकता, वो मान रहे नहीं चल सकता। लेकिन जब हेमंत सोरेन की आज इस्तीफा हो चुका है, आज बिना मुख्यमंत्री के है, तो कहां है राज्यपाल? मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को खोज रहे थे, तब जब वो कानूनी उपचार के लिए दिल्ली गए थे, तो उस समय वो खोजने लगे, डीजीपी को तलब करने लगे कि डीजीपी बताओ मुख्यमंत्री कहां है। तो राज्यपाल इतने बेचैन हो गए, यानी पूरा एक नैरेटिव दिया कि मुख्यमंत्री भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। वही राज्यपाल आज कुछ ही घंटों की तो बात है, कुछ घंटों बाद, मतलब 36 घंटे बाद, 24 घंटे बाद यही स्थिति बनी कि मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री के बिना झारखंड को नहीं रहने देना चाहिए, तो वो अपने दायित्व को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इन स्थितियों में हम ये कहना चाह रहे कि हेमंत सोरेन ने जो दिल्ली आकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई का एक रास्ता बनाया, हाई कोर्ट में एक लड़ाई का रास्ता बनाया, समन को चुनौती दी, और इसके अलावा SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, इन ये उस विजित का मतलब है। और SC ST एक्ट क्यों ना हो, SC ST एक्ट एक आदिवासी या दलित व्यक्ति को वो अधिकार देता है जिससे वो प्रोटेक्शन हो सके, कोई उसका गलत उसको नीचा ना दिखाए, गाली ना दे, अपमानित ना करे, इसीलिए तो SC ST एक्ट होता है। तो जब ED के अधिकारी, वो भी सब के सब नॉन SC नॉन ST, वो जा करके इनके इनकी गैर मौजूदगी में, हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में दिल्ली स्थित आवास में छापा मारते हैं, कथित छापा बोलेंगे क्योंकि इसको छापा कह ही नहीं सकते क्योंकि उस मकान का मालिक नहीं है वहां, और एक कार को बरामदगी बताते हैं, 36 लाख की बरामदगी बताते हैं, मीडिया में प्रचारित करते हैं, अपमानित करते हैं, और एक मुख्यमंत्री को के साथ किया जा रहा है। तो ये व्यवहार उस टीम में, चूंकि कोई भी SC नहीं था, ST नहीं था, तो ये व्यवहार SC ST एक्ट के तहत इनके प्रोटेक्शन के लिए ये मामला दर्ज होना चाहिए, उन्होंने कराया। ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने अपनी सरकार को सुरक्षित करने का एक रास्ता तय कर दिया। आज अब कुछ भी होता है, अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं कि सरकार को बर्खास्त करने या राष्ट्रपति शासन जैसी संस्तुति करते हैं, तो ये मतलब सारी मान मर्यादाओं को तोड़कर होगा। लॉजिक के स्तर पर कहीं भी इस सरकार को खत्म नहीं किया जा सकता। विधायक मौजूद है वैकल्पिक सरकार देने के लिए, जनादेश है, जनता का अपमान होगा अगर इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस पूरी परिस्थिति में हम देखते हैं कि पॉलिटिकली या संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांगली खड़ी है। अगर कुछ भी प्रतिकूल किया जाता है तो जनता इसका में व्यापक रिएक्शन होगा। कोशिश कर रहा हूं राजीव जी, कुछ समय पहले अगर आप ये बात कह रहे होते तो हम लोग बोलते कि क्या राजीव जी, आप क्या बात कर रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, चैलेंज है, ऐसे बात कर रहे। लेकिन चंडीगढ़ में जो हुआ उसके बाद अब ऐसा बिल्कुल नहीं बात कर सकते, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अल्पमत की भी सरकार बन सकती है, और राज्यपाल चाहे, राष्ट्रपति चाहे, आप पूछते रहिए, आपको न्याय चाहिए जाइए कोर्ट में मांगिए, ऐसी तो बात होती है। आपके ऊपर दाग लगा है, आप साबित कीजिए। भाई ईडी क्या है, ईडी यही तो है, जिसको ईडी पकड़ लेता है साबित उसी को करना पड़ता है कि हम निरपराध है, ईडी का कुछ नहीं है, यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो ये अगर राज्यपाल इस दशा में है कि बहुमत दिख रहा है, महसूस कर रहे हैं, उनको उन 5 प्रतिनिधियों के सामने ये बोला नहीं गया कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप कैसे साबित करेंगे, एक सवाल नहीं था राज्यपाल का इन 5 प्रतिनिधियों के साथ जो आज उनसे मिलने गए। उनको उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, ये लाइन कहा उन्होंने, हम आपको बुलाएंगे, और उसके बाद फिर कहा सूचित करेंगे। तो आप बताइए, जिस राज्यपाल के पास में जुबान नहीं है पूछने का कि आपके पास बहुमत है कि नहीं, कैसे दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, ये पूछ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो अगर इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। मर्जी से काम करते तो ऐसा होता ही नहीं है, सिचुएशन नहीं होता। वो बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत लाज शर्म बाकी है उस हिसाब से उन 5 लोगों से बुला लिए और उनसे मिल लिए।
बीजेपी किसी भी सुनो, हमें तो नहीं लगता कि झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन से कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और बीजेपी सरकार बना लेगी, ऐसा दिखता ही नहीं है। और क्योंकि एक सांगठनिक कारण भी है बीजेपी में दिखता है कि बीजेपी में अभी बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष हैं, पहले इस बीजेपी को चलाते थे, अब राज्यपाल हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री उनका चलता था, वो भ्रष्टाचार के बादशाह थे, हालांकि उनका कोई दिक्कत ही नहीं, उनके ऊपर कभी ईडी नहीं गई। तो खरीद फरोख्त करने कराने में वहां के लोकल यूनिट में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो शख्स अभी नहीं है वहां। लेकिन हाँ, मोदी शाह का जो इंटरेस्ट है वो तो सब जगह है। तो मोदी शाह का इंटरेस्ट क्या है, स्थानीय विधायकों को इंडिया गठबंधन से तोड़ पाएगा? तो बस करना यही है कि इनको अपने साथ रखना है। अभी सही कह रहे थे कि अगर अपने साथ रहते हुए वो ले जा सके, राकेश पाठक जी कह रहे थे, तब तो शायद बचा ले, लेकिन अगर कुछ छूट गए रांची में तो फिर नहीं बचा पाएंगे, ये समझ ली। सब लोग हेमंत सोरेन नहीं है, ये समझ ली, सारे विधायक हेमंत सोरेन नहीं है, उनको तोड़ा जा सकता है, डराया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, सब कुछ किया है, इसलिए इनको बचा के रखना होगा, नहीं तो ये लोग बैठक बुलाएंगे, झूठा दावा कर देंगे, उसके बाद शपथ ले लेंगे, बाद में जब उनको साबित करना होगा उस समय फेल होंगे तो होंगे, आखिरी कोशिश कर लेंगे वो, ये सारा कुछ हो सकता है। जी 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 डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये जो समय लेने वाली जो बात है, यानी कि टाइम टेकिंग, ये जो है